सुना रहा है। भागवत में जितने भी प्रसंग आते, प्रहलाद का आता है, प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुए, सारे दुखों से छूट गया, शांति नहीं मिली, अब दूत दत्तात्रेय जी का सत्संग करना पड़ा। ध्रुव को भी अवधूत दत्तात्रेय जी का सत्संग करना पड़ा। करदम जी जिनके पुत्र हुए हैं कपिल मुनि, भगवान जिनको 24 अवतारों में नाम आता है कपिल मुनि का, उनके पिताजी को भी शांति नहीं मिली, उनको भी सत्संग करना पड़ा। करदम जी ने कहा अपने पुत्र कपिल को कि आप तो भगवान हो, मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति बनी हुई है, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी वो आनंद वो संतुष्टि नहीं है। तो कपिल जी ने अपने पिताजी को कहा कि वन में जाओ और संतों का संग करो, सत्संग करो। अनेकों प्रसंग यही है कि जिनको भगवान के साक्षात दर्शन भी हो गए, दुख मिट गए, चिंता नहीं मिटी, अशांति नहीं मिटी। अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान है, सारथी बने हुए हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी दुखी है, फिर भी चिंतित है, फिर भी मोहग्रस्त है, फिर भी अशांत है, क्योंकि अर्जुन को गुरु नहीं मिला था। भगवान जब गुरु बने अर्जुन के, तब अर्जुन को शांति मिली। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मेरी अशांति नष्ट हो गई, अब मुझे ज्ञान मिल गया, अब मुझे शांति मिल गई। तो भक्ति योग से भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन उसके पश्चात जो पर्दा पड़ा हुआ है अविद्या का, अज्ञान का, वो पर्दा तो सत्संग से ही हटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वेदों में तो यहां तक कहा गया है, यदि संपूर्ण पृथ्वी आकाश को, संपूर्ण आकाश को कपड़े की तरह लपेट दिया जाए, संभव है? संभव है क्या? संभव नहीं है। आकाश तो निराकार है, आकाश तो निरवयव है, आकाश तो सूक्ष्म है, आकाश तो व्यापक है, आकाश को लपेटा जा सकता है? लपेटा जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि भले ही आकाश को लपेटा जा सकता है, लेकिन बिना विवेक के, बिना ज्ञान के मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। वेद कहते हैं, वेद की घोषणा है। तो सत्संग के द्वारा जो आवरण पर्दा है वो हट जाता है। तो इसीलिए तीन प्रकार के जो कर्म योग, तीन प्रकार के योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए। मन निर्मल हो पहले, चित्त की चंचलता मिट जाए दूसरी बार, उसके पश्चात फिर वो संत की शरण में ज्ञान को पा करके मुक्ति को पा लेता है। और एक चीज आपको बताऊं, सभी लोगों का ये सोचना होता है, ये मान्यता होती है कि मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है। मुक्ति अधिकतर लोग इसी आशा में बैठे हैं कि मरने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन संतों का ये सिद्धांत नहीं है। संतों का सिद्धांत यही है कि जीते जी मुक्त, जीते जी। अब जो व्यक्ति जीवन भर तो अशांत रहा, जीवन भर तो दुखी है, चिंतित है, भयभीत है, और मर करके मुक्त हो जाएगा? नहीं, जीते जी मुक्त। यहां उधार बात नहीं है, नगद है, नगद, यहां पर उधार नहीं है। सत्संग, आप कोई कर्म करते, यज्ञ करेंगे, हवन आदि करेंगे, कुछ भी कर्म करेंगे, उसका फल आप सोचते हैं कि मरने के बाद आपको मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा,
मरने के बाद मिलेगा। उपासना करोगे तो वो भी सोचते हैं उसका फल बाद, और मिलता भी बाद में ही है, लेकिन सत्संग का फल तो तुरंत मिलता है, तुरंत। अभी भोजन किया और अभी दो चार घंटे लगते हैं भूख मिटने में, दो चार घंटे लगते हैं क्या? भोजन किया, भोजन करते जाते हैं और भूख मिटती जाती है, साथ साथ होता है ना। ये तो यानी कि पूरा भोजन कर लेंगे तब भूख मिट गई थी, ऐसा है? जैसे जैसे भोजन करेंगे वैसे वैसे भूख मिटती जाती है। इसी प्रकार से सत्संग का फल भी तुरंत मिलता है। इसलिए कहा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा काले ना फलती तीर्थम सत्य साधु समागम। अब तीर्थ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कब मिलेगा उसका फल? तीर्थ गए, तपस्या की, भजन किया, उसका फल मिलेगा पुण्य, स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन सद्य साधु समागमः, साधु के समागम का, साधु के संग का, साधु के सत्संग का तो फल तुरंत मिलता है, कल परसों में नहीं। अभी आप चिंतित है, दुखी है, अशांत है, किसी संत के पास गए, उन्होंने आपको ज्ञान दिया, विचार दिया, विवेक दिया, तुरंत आपका हृदय शीतल हो गया, तुरंत हो जाता है, देर लगती है, तुरंत। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है, इतनी महिमा कही गई है जिसकी कोई सत्य तुरंत ही फल देने वाला है, नगद है, उधार नहीं। और सौदा उधार नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नगद करना चाहिए, उधार करना चाहिए? क्या भरोसा? नगद सौदा करना चाहिए, और नगद यही है कि सत्संग सुन सुन करके, समझ समझ करके, जीवन में उसका अनुभव करके, आचरण करके, शरीर के रहते रहते, जीवन के रहते रहते, शांति को, मुक्ति को हम अनुभव कर सके। ये बातें आपने सुनी तो बहुत बार होगी, पर शायद ये बातें ना सुनी हो, आप लोगों को बड़ा विचित्र सा लगेगा, लेकिन ये महापुरुषों का अनुभव यही है, वेदों की घोषणा यही है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही है। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, अर्जुन स्पष्ट कहता है, परीक्षित ने भी कहा है, परीक्षित बड़ा भयभीत था, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, भयभीत है, 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा और 7वें दिन मेरे को डसेगा और उसके विष के दहा से मेरा शरीर भस्म हो जाएगा, बड़ा भयभीत है। सुखताल चले गए, सब राजपाट छोड़ करके सुखताल गंगा जी के किनारे चले गए। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सरल हृदय थे, पवित्र आत्मा थे, उनके साप को सुनकर के अनेकों ऋषि मुनि संत वहां पर उपस्थित हुए कि परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे हुए। परीक्षित से पूछा गया, आप क्या करना चाहते हो? ध्यान करना चाहते हो, जप करना चाहते हो, योग करना चाहते हो, तीर्थ करना चाहते हो, 7 दिन आपके पास, आप करना क्या चाहते हो? परीक्षित ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं केवल सत्संग सुनना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान करूंगा मन पता नहीं कहां चला जाए, कोई भरोसा है? जप करूंगा मन दौड़ता रहेगा, तीर्थ यात्रा करूंगा तो मन बाहरी बना रहेगा, यहां देखने वहां देखने में, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस अब तो मैं केवल सत्संग सुनना चाहता हूं जिससे कि निरंतर परमात्मा की स्मृति बनी रहे। सुखदेव जी ने
परीक्षित को सत्संग सुनाया, वो सत्संग सुनाया। अब वो अलग रूप में हो गया, क्योंकि सुनाने वाला भी बड़ा विलक्षण और सुनने वाला भी बड़ा विलक्षण। सुनाने वाले अवधूत शिरोमणि त्यागी तपस्वी वीतरागी सुखदेव जी महाराज, और सुनने वाला भी कोई साधारण नहीं था। सुनने वाला कौन है? इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली, इतनी शक्ति सामर्थ्य, इतनी बड़ी सेना वाला, इतने सेवक सेविकाओं वाला, और सबको एक क्षण में जो छोड़ करके बैठ गया है, जिसने जान लिया है कि मृत्यु में ये मेरा साथ नहीं निभाएगी, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, मेरी मृत्यु न तो मेरी मृत्यु टलने वाली, ना मेरा दुख मिटने वाला, ना मेरी अशांति मिटने वाली, सब कुछ छोड़ करके जो गंगा जी के तट पर बैठ गया है। सुनने वाला भी साधारण नहीं है और सुनाने वाला भी। एक चीज और आपको बताऊं, वैसे तो जो भी लोग सत्संग में आते हैं ना, या मंदिर में जाते हैं, या पूजा पाठ करते, वो लोग साधारण होते ही नहीं। वो लोग, आप लोग भी साधारण नहीं हो, समझने की बात है। आप साधारण क्यों नहीं हो? क्योंकि किसी न किसी रूप में आपकी बुद्धि में विवेक है, आप जानते हो, आपको ये पता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, पद ही सब कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है, संसार का ऐश्वर्य ही सब कुछ नहीं है, आगे भी हमें जाना है। एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, वो भी बुद्धिमान है। एक आदमी है, बहुत धन कमाता है, बहुत धन कमाता है, खूब धन कमाता है, कमाता जाता है, लेकिन जिसके जीवन में ना सेवा है, ना भक्ति है, ना भावना है, ना सत्संग है, वो अपने आप को भले ही कितना बुद्धिमान मानता रहे, लेकिन वो मूढ़ है, मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। और एक व्यक्ति है, भूखा नंगा है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मंदिर में हाथ जोड़ नहीं जाता है, वो फिर भी बुद्धिमान है, क्योंकि उसने समझ लिया कि संसार ही सब कुछ नहीं है। ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, सदग्रंथ पढ़ना साधारण बात नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, जिसके पुण्य उदय हुए, वो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं है। वो व्यक्ति मूर्ख है जो बस लगा है गधे की तरह संसार में पिल रहा है, लाख किए, करोड़ किए, अरब किए, खरब किए, लेकिन कभी न कहीं मंदिर में जाके शीश नवाया, न कभी बैठ करके भगवान का नाम लिया, न कभी बैठ करके सत्संग सुना, न कभी किसी की सेवा की, बस झूठा ये अहंकार किए फिरता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। वो बुद्धिमान नहीं, वो महामूढ़ है। सत्य कह रहा हूं, क्या साथ लेके गया? कहते एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। अब राजा लोग होते हैं, काम तो बहुत ज्यादा होता है, बोझ होता है, व्यवहार होता है, तरह तरह की चिंताएं होती है। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि राजकाज इतना होता है, हर समय मस्तिष्क भारी रहता है, तो कोई ऐसा मूर्ख लाओ जिसकी बात सुन करके, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण देख करके मेरे को खुशी मिले, है ना। जैसे छोटे बालक, छोटा छोटा बालक होता है, मूर्खताएं करता है छोटी छोटी, और आप लोगों को उसकी मूर्खता देख करके खुशी मिलती है ना, उसका बचपना देख करके। तो राजा ने कहा कि कोई मूर्ख व्यक्ति लाओ, जिसको, जिसकी मूर्खता पूर्ण बातें सुन करके मैं हंसता रहूं थोड़ी देर के लिए, सही, कम से कम मेरी चिंता तो दूर हो। तो मंत्री गया मूर्ख को ढूंढने के लिए, कोई मूर्ख नहीं मिला, लेकिन एक जगह उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, शाखा को काट रहा है। अब वो शाखा को काट रहा है, लेकिन उस तरफ बैठा है जिस तरफ कट करके पेड़ नीचे गिरेगा। मंत्री ने सोचा कि इससे पूछूं
लगता है इससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा। इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि पेड़ कटेगा और पेड़ के साथ में इस शाखा के साथ तू भी गिरेगा, ये तो मूर्ख है। उससे पूछा कि भाई तू पेड़ काट रहा है और इस तरफ बैठा है, जिस तरफ ये शाखा कटेगी तू साथ में ही गिरेगा ना। वो कहने लगा कि जी क्या बताऊं वो मूर्ख, कि जब मैं पेड़ पर चढ़ा था ना बड़ी मुश्किल हुई थी, पेड़ पर चढ़ने में बड़ी परेशानी हुई, अब मैं सोचता हूं उतरने में भी उतनी परेशानी होगी, इसलिए अलग से उतरना नहीं पड़ेगा, पेड़ को काट रहा हूं इसके साथ साथ मैं भी आराम से उतर जाऊंगा। तो मंत्री ने सोचा निश्चित रूप से ये मूर्ख है, जो मेरे को चाहिए था मिल गया। अब मंत्री उसको लेकर के राजा के पास ले आए। अब वो मूर्ख था, मूर्खतापूर्ण उसकी बातें थी, मूर्खतापूर्ण उसका व्यवहार था, राजा उससे बड़ा खुश था, राजा को खूब हंसाता रहता था, राजा उसकी बातें सुन सुन करके हंसते रहते थे। अब काल की गति, राजा की आयु हुई, वृद्धावस्था आई, मरण समय उपस्थित हुआ, अब राजा का शरीर छूटने वाला है। और ऐसे समय में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भाई वो जो मूर्ख व्यक्ति है ना, उसने मेरी बड़ी सेवा की, उस मूर्ख व्यक्ति ने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे को बहुत हंसाया है उसने, अब चलने का वक्त है, मैं उसको भी हाथ जोड़ देता हूं, उसका भी धन्यवाद कर देता हूं। मूर्ख व्यक्ति को बुलाया गया राजा के पास। राजा ने कहा अच्छा भाई तूने मेरी बड़ी सेवा की और अब मैं जा रहा हूं, अब मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख ठहरा, उसने पूछा जी कहां जा रहे हो, मूर्ख ने पूछा कहां जा रहे हो, राजा ने कहा ये तो पता नहीं, राजा ने क्या कहा ये तो पता नहीं, तैयारी कर ली है। मूर्ख ने पूछा, राजा ने कहा नहीं कोई तैयारी तो नहीं की भाई, आगे व्यवस्था करा दी है, फोन कर दिया है, आदमी भेज दिए हैं। मूर्ख ने कहा, राजा ने कहा नहीं कोई बंदोबस्त नहीं किया, साथ में ले चलने के लिए सामान तो तह लगा लिया होगा, कपड़े आदि जो कुछ साथ लेके जाना है। मूर्ख ने बोला, राजा ने कहा वहां तो कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते। तो मूर्ख कहने लगा महाराज इतने दिन तक आप मेरे को मूर्ख बोल रहे थे, असली मूर्ख तो आप, जिसको ये पता नहीं कहां जाना है, जिसको ये पता नहीं क्या करना है, जिसको ये पता नहीं साथ लेकर के क्या जाना है, कुछ साथ लेकर के नहीं जा सकते, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो मूर्ख कहने लगा आप राजन आप ही बताओ आप मूर्ख हो या मैं मूर्ख, मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन है, राजा ही मूर्ख है ना, वो राजा कोई और नहीं, वो राजा आप ही हो। यहां कहीं जाना होता ना बड़ी तैयारी कर लेते हो कई दिन पहले ही, है ना, कहां ठहरेंगे, कहां भोजन करेंगे, क्या लेकर के जाएंगे, टिकट आदि बनवा लेते हैं, कितना खर्चा होगा, सारी व्यवस्था, जाना है ना, पक्की बात है कच्ची बात बता देना, पक्की है कच्ची है, कह जी आप कहते हो तुम पक्की मान लेते लेकिन मन तो नहीं मानता, मन तो मन मानता है क्या, कहते मृत्यु का स्मरण बना रहना चाहिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, जीवन में धन मिलेगा नहीं पता, स्वस्थ रहेंगे बीमार रहेंगे नहीं पता, मोटे होंगे पतले होंगे नहीं पता, सब कुछ संशय युक्त है, परिवार होगा छोटा होगा बड़ा होगा नहीं पता, सब कुछ संशय युक्त है, लेकिन जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है जो घटना घटेगी और सबके साथ घटेगी, वो क्या है, उम्र मृत्यु। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य की बात है, जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है
उसकी कभी याद नहीं आती, उसकी कभी स्मृति नहीं रहती। और जो कि सब कुछ संशय युक्त है, संशय ग्रस्त है, संदेह युक्त है, उसके उसके चिंतन में लगे रहते, उसके विचार में खोए रहते। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। मृत्यु को तो याद भी नहीं करना चाहते भाई। याद करो या मत करो, आएगी तो नहीं। कई लोग तो मृत्यु के नाम से डरते हैं कि महाराज ये चर्चा मत करो, डर लगता है। बताया था ना आपको, डरने से काम होने वाला। कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना डर से, और बिल्ली उसको खा लेती है, तो आंखें बंद करने से काम चलेगा। मृत्यु को याद रखोगे तो लाभ में रहोगे, और मृत्यु को भूले रहोगे तो अपना अहित करोगे। मृत्यु को भूले रहता है, भूले रहता है, इसलिए छल कपट करता है। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कि धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम केचित विभूति मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर कहने लगे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि व्यक्ति रोज देख रहा है कि कोई ना कोई यहां से रोज, कोई ना कोई रोज यहां से, कभी अड़ोसी गया, कभी पड़ोसी गया, कभी दादा गया, कभी दादी गई, कभी चाचा गया, कभी चाची गई, रोज यहां से कोई ना कोई, लेकिन चलने की तैयारी कोई नहीं कर रहा, रहने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहते सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। मकान बनाते हैं ना तो ऐसा होना चाहिए कि 100 वर्ष तक हिले नहीं, तू रहेगा, गारंटी है, पता नहीं। जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग यहां से रोज रोज जाते हैं, और जो यहां पर रह रहे हैं उनको देख करके वो तैयारी नहीं करते, वो यहां पर रहने की तैयारी कर रहे हैं, रहने की तैयारी कर रहे हैं। एक महात्मा थे, एक गांव में रहते थे। गांव में कोई व्यक्ति आया, किसी का रिश्तेदार, महात्मा की कुटिया गांव से बाहर थी। उस व्यक्ति ने वो रास्ता भूल गया। उसने सोचा महात्मा जी से पूछ लेता हूँ, कुटिया में कोई होगा। तो महात्मा जी के पास गया और कहने लगा महाराज मुझे बस्ती में जाना है। कहाँ जाना है? बस्ती में जाना है। तो महात्मा जी ने, गांव था इधर, वो इशारा कर दिया। गांव से बाहर क्या होते थे? शमशान। महात्मा जी ने इशारा कर दिया शमशान की ओर। उसने कहा मुझे बस्ती में जाना है। महात्मा जी ने बस्ती बता दी। अब वो बेचारा उधर गया, जाकर के देखता है कि उधर तो कोई बस्ती तो है नहीं, जिसको बस्ती मानता था, गांव मानता था, वहां पर तो चिताएं जल रही थी। घूम फिर करके, भटक करके, लौट करके आया गांव में, जैसे तैसे पहुंचा, और गांव वालों से कहने लगा कि महात्मा बड़ा दुष्ट है, ये जो गांव के बाहर महात्मा रहता है ना, बड़ा दुष्ट है, इसके कारण आज मुझे कितना भटकना पड़ा, कितने धक्के खाने पड़े, ये महात्मा भाई ठीक नहीं है। अब गांव के कुछ लोग गए और कहने लगे महाराज आप संत हो, आपको शोभा नहीं देता है झूठ बोलना, मजाक करना, आपको शोभा नहीं देता है। संत कहने लगे भाई मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, ऐसी क्या बात हुई? तो कहने लगे महाराज वो मेहमान आया था, उसने आपसे पूछा कि बस्ती किधर है, और आपने उसको शमशान का रास्ता बता दिया। महात्मा जी कहने लगे कि भाई मेरे हिसाब से तो वही बस्ती है, मेरे हिसाब से तो यहां तो उजाड़ है, रोज कोई ना कोई यहां से, और जाकर के कहां बसता है, वहां से लौट के आता है क्या? कोई आया जिसको आप उठा करके ले करके जाते हो, उसको वहीं बसा जाते हो ना, और रास्ते में की डेली पर कील गाड़ देते हो कि वापस लौट के मत आ जाना, है ना? अपना ही आदमी
और ये कहते हो कि घर में मत घुस जाना, कील गाड़ते हो देहली के ऊपर, पानी डालते जाते हो, उसके पैर के निशान मिटाते हो कि कभी कभी आ ना जाए, पानी डालते हो ना। कितना स्वार्थ है, कितने स्वार्थी है लोग, और कपाल और भेदन करते हैं उसका, बांस लेकर के लाठी और मारते हैं उसके, उसमें पूरा तिरस्कार करते हैं कि भूल करके मत आ जाना। लेकिन वो व्यक्ति भी इतना निर्लज्ज होता है, आता कहां पर है, कहां आता है, वहीं आता है, कहीं और नहीं। ये मोह चीज ही ऐसी है कि यही घूमता रहता है व्यक्ति, कभी दादा बन जाता है, वही पोता बन जाता है, फिर वही दादा बन जाता है। संसार में ऐसा ही है, बड़ा विचित्र है संसार। संसार दिखने लग जाए ना, ये तो भगवान ने ऐसी मोह की पट्टी बांध दी कि व्यक्ति को स्मरण नहीं है, और नहीं तो यही अपना ही कई बार पोता। और हमने तो ऐसे कई लोग देखे हैं जो खुद के पोता बन करके आ गए, हमने कई ऐसी माई देखी है जो खुद की ही पोती बन के आ गई, स्पष्ट रूप से यही घूमता रहता है। मोह का चक्र है, इतना सहज नहीं है इससे निकलना, यही आएगा कहां जाएगा। हाँ, किसी के ज्यादा ही मलिन पाप हो, ज्यादा ही जीवन में पाप किया हो, ज्यादा ही अधर्म का आचरण किया हो, तो वो दूसरी योनि में चला जाता है, और नहीं तो ज्यादातर जीव यही घूमता है। तो महात्मा जी ने कहा भाई बस्ती तो शमशान है, वहां जाकर के बस जाते हैं सब। तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है, मृत्यु का स्मरण बना रहे। इसलिए कहते हैं दो बातों को भूल मत, और दो बात को भी नहीं, एक बात को याद रख लो। कितनी बातों को याद रख लो, एक, कौन सी, या तो भगवान को याद रख लो या मृत्यु को याद रख लो। एक को याद रखेंगे दूसरी अपने आप याद रहेगी। एक बात याद रख लो, कहते दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण, एक मौत को और दूजे स्त्री। दो बातों को याद कर, और मैं कह रहा हूं थोड़ी सी बुद्धि कमजोर हो गई ना, है बुद्धि याददाश्त बड़ी कमजोर है। लोग सुनते हैं सत्संग, अब पूछूं कि भाई कल क्या सुनाया था, तो लेकिन ये अच्छी बात नहीं है भाई। जो सुनते हैं एक बात पकड़ो, दृढ़ता से पकड़ो और जा करके उसको लिख लो। मेरे को पता है आपकी बुद्धि पर मेरे को विश्वास है, मेरे को पता है, मैं आप लोगों के बीच रहता हूं, आप लोग मेरे को मिलते रहते हैं, आप जैसे लोग, कुछ आपके याद नहीं रहता है, मेरे को पता है। मैं एक बार एक व्यक्ति से कहने लगा कि भाई लोगों के लिए तो सुनाना बड़ा आसान होगा, मेरे लिए तो सुनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं वर्षों तक कोई बात होती है तो उसको रिपीट नहीं करता, नई नई बातें सुनाता हूं, नए नए विचार, नए नए चिंतन। लेकिन मैं देखता हूं अधिकतर लोग उन्हीं बातों को सुनाते रहते, पुरानी बातों को अभी सुनाया, फिर सुना दिया, फिर सुना दिया। मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बोलना बड़ा कठिन है। वो कहने लगा महाराज जी, चाहे जो बात हमें आज सुनाई ना, चाहे इसको रोज भी सुनाओ तो ये भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे याद तो कुछ रहता ही नहीं। आप चिंता मत करो, रोज वही सुना दिया करो, कोई चिंता की बात नहीं। मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई नया चिंतन, नए विचार, नया अनुभव जो आपके हृदय में प्रवेश कर सके सरल से सरल। तो याद, मेरे को पता है कि आपकी याददाश्त कितनी है, इसलिए जो बात कही जाती है कि दो चार पांच सूत्र बनाओ, उनको लिखो, उसका विचार करो, सुबह शाम उनको पढ़ो, देखो कितना मैंने अपने आप को बदल लिया। सत्संग का अर्थ यही है। देखो, भोजन करने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, इसी प्रकार सत्संग सुने और विवेक यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब सत्संग नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, पहली चीज। भगवान की कृपा हो तो ही व्यक्ति सत्संग की ओर चलता है,
जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, जब पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग की ओर चलता है। और सत्संग मिले और विवेक यदि नहीं जागृत हुआ, जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, बुरे विचारों का परित्याग नहीं हुआ, तो फिर आपने कुछ सुना नहीं। आपके जीवन में यदि बदलाव ना हो तो फिर सत्संग क्या सुना। बदलाव होना चाहिए, नहीं तो इस सत्संग का एक तरह से अनादर हुआ। यह तो सुनाने वाले में कमी रही या सुनने वाले, यह तो सुनाने वाले की वाणी में प्रभाव नहीं है। आज ऐसा ही होता जा रहा है, क्योंकि स्वयं चिंतन, वक्ता को पहले स्वयं चिंतन करना चाहिए, स्वयं साधना करनी चाहिए, स्वयं तपस्या करनी चाहिए, स्वयं उसको अपने आचरण में लेना चाहिए, उसके पश्चात कहना चाहिए। लेकिन कहीं से सुना, कहीं कुछ पढ़ लिया और कहना आरंभ, जीवन में न कोई अनुभव है, न कोई चिंतन है, न कोई साधना है, न कोई अनुभूति है। कहना सुनना तो बड़ा सरल है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं होता। सत्संग सुनते हैं, प्रभाव क्यों नहीं होता? हृदय में बात क्यों नहीं पहुंचती? हृदय तक बात नहीं पहुंचती है। और किसी कोई व्यक्ति आपको बोलता रहता है, सच बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, नहीं आपके हृदय तक पहुंचती है। और कभी कभी कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है सत्य बोलो, वो बात हृदय तक पहुंच जाती है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं वो सत्य का आचरण करता है, स्वयं उसके जीवन में सत्य को का प्रवेश है, इसीलिए उसकी वाणी में प्रभाव है, वाणी हमारे हृदय तक पहुंचती है। तो सत्संग सुने,